सरकार द्वारा लागू की गई अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस देश भर में विधानसभा स्तर पर सत्याग्रह कर रही है। शिमला में शहरी कांग्रेस कमेटी ने शेरे पंजाब पर सत्याग्रह पर बैठकर योजना को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि देश में पहले ही करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, ये सरकार युवाओं को मुंगेरी लाल के सपने दिखा रही है। कांग्रेस इसका विरोध करती है, सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। शिमला शहरी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस युवा विरोधी योजना के खिलाफ सत्याग्रह कर रही है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जितेंद्र चौधरी ने कहा कि हर वर्ष लाखों सैनिक रिटायर हो रहे हैं, सरकार सेना में शॉर्ट सर्विस से रिटायर होने वालों को ही रोजगार देने में असमर्थ है, तो इन्हें रोजगार कैसे दिया जा सकता है। देश में पहले ही करोड़ों युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अग्निपथ योजना का विरोध करती है और इस योजना को सरकार को वापस लेना चाहिए। देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे आज पूरे देश में, प्रदेश में जितनी भी कंस्टिट्यूएंसियां हैं, जितने भी ब्लॉक हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के लोग जो हैं आज धरने पे बैठे हैं। जो ये सरकार की नई योजना है अग्निपथ को लेके जो है, हम लोग आज कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता धरने पे बैठे हैं। जो अग्निपथ योजना के तहत युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जो देश में आर्मी की जो सेवा है, जो अग्निवीर भर्ती करने हैं, उनका 4 साल की जो सिर्फ है सेवा होगी, जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। 4 साल बाद जो युवा देश की सेवा करके वापिस आएंगे, उन्हें दोबारा नौकरी के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा और साथ ही देश की एकता और अखंडता को भी इससे खतरा है। कांग्रेस पार्टी इस जो योजना है इसका विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि इस योजना को जो है तुरंत प्रभाव से है जो वापिस लिया जाए, क्योंकि ये देश के जो युवा है, देश की जनता है, उनके साथ खिलवाड़ है। और जो लोग 4 साल की सेवाओं के बाद अपने घर लौटेंगे और आने वाले समय में नौकरी के लिए लाइनों में खड़े होंगे, उनके साथ खिलवाड़ है। और साथ ही सरकार का ये जो आश्वासन, वो किसी के भी गले खरा नहीं उतर रहा कि 10% जो है रिजर्वेशन दी जाएगी आर्म फोर्सेस में, तो उस 10% रिजर्वेशन से कैसे इतने लोग जो भर्ती होंगे वो हर साल कैसे एडजस्ट किए जा सकेंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क है इस सरकार पे। हम सरकार से मांग करते हैं ये जो योजना है इसे तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।